Hello dear students, I hope you all are good. Okay, and studying well at home. Okay, please I am telling you, you have to do it very nicely because exams are coming. So आपको पढ़ना है घर पे very बहुत अच्छी तरह से. Okay. And today we will do tulips. Okay, so you have to take out your tulips. Page number 231. We will do GK subject. Okay. यहाँ पे है चैप्टर नंबर 5, ओके, दैट इज फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया. ओके, हमारे यहाँ पे उत्तर और पूर्व दिशा में कौन से फेस्टिवल्स होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, ओके. सो हैव यू टेकन आउट पेज नंबर 231? ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सी हियर, फिफ्थ चैप्टर, दैट इज फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया. उत्तर और पूर्व दिशा में कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, वी विल सी दैट. ओके, सो हियर सी द येलो पोर्शन. इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मीन्स विविधता. ओके, हमारे इंडिया में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स लिव इन आर इंडिया. पीपल ऑफ इंडिया फॉलो अ वेराइटी ऑफ कल्चर्स, ट्रेडिशंस एंड रिलीजन. हमारे इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स लिव, बहुत सारे डिफरेंट विविधता दिखाई देती है हमारे यहाँ पे इंडिया में. यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन होता है, जैसे कि हिंदू, सिख, ईसाई. ओके, और कल्चर एंड ट्रेडिशन मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे अलग परंपरा होती है. ओके, कल्चर मीन्स संस्कृति. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स वी सी ओवर हियर. डिफरेंट संस्कृति भी देखी जाती है और ट्रेडिशन मतलब सबकी अलग अलग परंपरा होती है. ओके, तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स लिव इन आर इंडिया, दैट इज कल्चर, ट्रेडिशन एंड रिलीजन. ये लैंड ऑफ, इट इज़ द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. देन कम लेट अस लर्न अबाउट अ फ्यू फेस्टिवल्स. यहाँ पे हम फ्यू फेस्टिवल्स के बारे में देखेंगे जो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं. नाउ सी ओवर हियर, इट इज रिटन दुर्गा पूजा सेलिब्रेट्स द वर्शिप ऑफ गॉडेस दुर्गा. ओके, आपने देखा होगा दुर्गा पूजा, आपने नाम भी सुना है. देखिए दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ को वर्शिप मतलब पूजा जाता है. ओके, उसकी पूजा होती है. दिस फेस्टिवल मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गॉडेस दुर्गा. ये फेस्टिवल क्यों मनाते हैं, क्योंकि तब विक्ट्री मतलब जीत हुई थी किसकी, दुर्गा माँ की, ओवर द एविल बफेलो. एविल मतलब बुराई के सामने राक्षस, डेमन मतलब राक्षस. सो बफेलो डेमन महिषासुरा, महिषासुर नाम का एक राक्षस था, उसके सामने भगवान दुर्गा माँ की जीत हुई थी, इसलिए उस दिन दुर्गा पूजा होती है. अंडरस्टूड? सो दुर्गा पूजा होती है कौन से भगवान के लिए, दुर्गा माँ के लिए. और क्यों होती है, क्योंकि उस दिन दुर्गा माँ की विक्ट्री मतलब जीत. तो विक्ट्री जीत हुई थी दुर्गा माँ की किसके सामने, राक्षस महिषासुर के आगे. ओके, दिवाली और दीपावली इज कंसिडर्ड एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट. ये सबको पता है कि दिवाली आती है तो हम बहुत खुश होते हैं, सब जगह पे लाइटिंग्स होती है, फटाके फोड़ते हैं, वी फायर दी क्रैकर्स, राइट, सब जगह पे लाइटिंग्स होती है, दिए जलाते हैं, रंगोली की जाती है. ओके, इट सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ गुड एंड लाइट ओवर डार्कनेस. अगर अंधेरा है तो वहाँ पे सब जगह पे लाइटिंग हो जाती है. उस दिन एक झोपड़ी में भी लाइटिंग होती है, दिए जले जाते हैं. एंड नॉलेज ओवर इग्नोरेंस. नॉलेज ओवर इग्नोरेंस मीन्स बुराई पर ज्ञान मिलता है हमें. ओके, दिवाली को दीपावली के नाम से भी जाना जाता है और उस दिन सब जगह पे लाइटिंग होती है, दिए जले जाते हैं, राइट. सो इट इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट. ओके, और एक सिग्निफिकेंस द विक्ट्री ऑफ गुड मतलब जीत होती है किसकी, बुराई के आगे. ओके, अच्छाई की जीत होती है बुराई के आगे. लाइट ओवर डार्कनेस मतलब अगर कहीं भी डार्कनेस है
अंधेरा है तो वहाँ भी एक दिया जलाया जाता है. एंड नॉलेज ओवर इग्नोरेंस, मतलब बुराई पर ज्ञान मिलता है, नॉलेज ज्ञान मिलता है. ठीक है, सो सी हियर, फैक्ट फाइल इज ओवर हियर. होली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. होली है उसको फेस्टिवल ऑफ कलर्स बोला जाता है, क्योंकि तब हम क्या करते हैं, कलर से खेलते हैं. पीपल एन्जॉय दिस फेस्टिवल बाय शिमरिंग कलर्स ऑन ईच अदर्स फेस. हम एक दूसरे के फेस के ऊपर कलर्स लगाते हैं, इसलिए होली को क्या बोला जाता है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स. ओके, सी नाउ दिस येलो पोर्शन यू हैव टू सी. दुर्गा पूजा सेलिब्रेट्स द वर्शिप ऑफ दुर्गा पूजा. क्यों पूजा जाता है, किसके लिए पूजा जाता है, महिषासुर या गॉडेस दुर्गा. यस, गॉडेस दुर्गा, दुर्गा माँ की पूजा की जाती है उस दिन. सो गॉडेस दुर्गा पे ये आपको टिक मार्क करना है, और गॉडेस दुर्गा यू हैव टू राइट हियर. ओके, रिटर्न. सो नाउ सी पेज नंबर 231 पेज है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सी यहाँ पे लिखा है टिक द करेक्ट आंसर. ओके, यहाँ पे फर्स्ट वन इज ए में लिखा है, बिहू इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आसाम. बिहू है वो आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है. इट इज अ फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट्स फार्मिंग क्रॉप्स. सो बिहू इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आसाम, एंड इट इज अ फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट्स फार्मिंग क्रॉप्स एंड फूड. ये किसके लिए मनाया जाता है, फार्मिंग के लिए, खेती के लिए, क्रॉप्स एंड फूड मतलब अनाज खाने के लिए. ओके, सो इट इज ट्रू या फॉल्स, इट इज ट्रू. ओके, सो यू हैव टू इन ए नंबर वन इज रिटर्न ट्रू, वहां पे आपको टिक मार्क करना है. ओके, डन. ओके, नाउ यू हैव टू टर्न अ पेज, पेज नंबर 132, लास्ट पेज दैट इज. देयर इज इट इज रिटर्न, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड नेम द फेस्टिवल. ओके, ये फेस्टिवल कौन सा है ये आपको बोलना है. इट इज बिहू, दिवाली या दुर्गा पूजा. इट इज बिहू. ओके, सो बी में नंबर वन में बिहू लिखा है, वहाँ पे आपको टिक मार्क करना है. नाउ सी विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस नॉर्थ इंडिया टू ग्रीट द अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन. स्प्रिंग सीजन के लिए नॉर्थ इंडिया में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, बैसाखी, लोहरी, बसंत पंचमी. थ्री नंबर इट इज रिटर्न, बसंत पंचमी, आपको वहाँ पे टिक मार्क करना है, बसंत पंचमी. ओके, इसके ऊपर आपको टिक मार्क करना है. नाउ डी, बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट्स द बर्थ लाइफ एंड डेथ ऑफ द जैन गुरु महावीरा. इट इज ट्रू या फॉल्स, इट इज फॉल्स. बुद्ध पूर्णिमा है वो जैन के लिए नहीं होती है. ओके, सो इट इज फॉल्स. सो हियर नंबर टू यू हैव टू राइट टिक मार्क ऑन फॉल्स. ओके, नाउ ई, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड मोस्टली ड्यूरिंग नाइट. रात में ही सेलिब्रेट किया जाता है. पीपल लाइट अ फायर एंड गैदर अराउंड इट. बीच में एक आग लगाई जाती है और एक दूसरे का फूड और स्वीट्स एक दूसरे को शेयर करते हैं. तो व्हाट इज दैट, लोहरी, मकर संक्रांति या बैसाखी. इट इज लोहरी. ओके, सो नंबर वन में इट इज रिटर्न लोहरी. यू हैव टू टेक मार्क ओवर हियर. ओके, डन. ओके, नाउ सेकेंड ऑप्शन क्वेश्चन इज, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो. ओके, ये एक पिक्चर को देख के आपको ये आंसर्स देने हैं. ओके, सो नेम द फेस्टिवल. कौन सा फेस्टिवल है ये, जब देखो यहाँ पे बच्चे फायर्स क्रैकर्स फायर कर रहे हैं, केक क्रैकर्स बस्ट कर रहे हैं, सब जगह पे दिए लगे हुए, डेकोरेशन है, तो वो कौन सा फेस्टिवल है, दिवाली. राइट, सो ए नंबर में यू हैव टू राइट दिवाली.
ओके DIWALI दिवाली. नाउ सेकेंड, दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी बोला जाता है. इट इज ट्रू या फॉल्स? ट्रू. ओके, सो यू हैव टू टिक मार्क ऑन ट्रू. ट्रू के ऊपर आप टिक मार्क करोगे. एंड सी, दियास कैंडल्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल. इट इज ट्रू या फॉल्स? यस, इट इज ट्रू, क्योंकि उस दिन दिए जलाए जाते हैं, लाइटिंग्स की जाती है और कैंडल्स भी जलाए जाते हैं. ओके, सो इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल. ओके, नाउ नीचे है क्विज टाइम. सी दैट क्विज टाइम. फर्स्ट वन, महावीर जयंती सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ. महावीर जयंती कौन से किसके लिए होते हैं? बुद्ध के लिए, महावीर के लिए या जीसस के लिए? महावीर जयंती इज फॉर महावीरा. ओके, सो ए में नंबर टू इज रिटर्न महावीर, उसके ऊपर आपको टिक मार्क करना है और ब्लैंक में आपको लिखना भी है. ओके, इसके ऊपर टिक मार और ब्लैंक में लिखो. यहाँ पे जो ऊपर ब्लैंक दी गई है उसमें आपको महावीरा लिखना भी है और चेक नंबर यहाँ पे आपको टिक मार्क भी करना है. ओके, नाउ सेकेंड, बैसाखी इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल. इट इज ट्रू या फॉल्स? इट इज ट्रू, बैसाखी इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल. सो इन बी यू हैव टू टिक मार्क ऑन ट्रू. ट्रू में आपको टिक मार्क करना है. डन. ओके, नाउ सी, रक्षाबंधन सेलिब्रेट्स द बॉन्ड ऑफ. रक्षाबंधन किसके लिए होती है? ब्रदर सिस्टर के लिए, फादर एंड सन के लिए या मदर्स एंड डॉटर्स के लिए? इट इज फॉर ब्रदर एंड सिस्टर्स, राइट? सो सी, नंबर वन इज रिटर्न ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. इसके ऊपर आपको टिक मार्क करना है. ओके, टिक मार्क ओवर हियर. नाउ डी, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज बिहू सेलिब्रेटेड. बिहू कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, यस, आसाम. ओके, सो डी यू विल राइट इन द ब्लैंक. आसाम आपको वहाँ पे ब्लैंक में लिखना है. ओके, एंड लास्ट, छठ पूजा इज सेलिब्रेटेड इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में और बिहार में छठ पूजा की जाती है. सो इट इज ट्रू या फॉल्स? इट इज ट्रू. ओके, सो यू हैव टू टिक मार्क ऑन ट्रू. टिक मार्क कीजिए इधर. ओके, डन एवरीवन. सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 5 इन GK. प्लीज थरली लर्न इट. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.